नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। दोस्तों, आज का जो थंबनेल है, टैगलाइन है, और शायद मेरा वीडियो देख के बहुत लोगों को बात मेरी खराब लगे, हो सकता है कि लोग मुझे डिसलाइक करें, डिसलाइक मिले इसमें वीडियो में, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। और केवल थंबनेल देख के या केवल टैगलाइन देख के, मेरा स्टार्टिंग है एक मिनट का वीडियो देख के, आप डिसीजन मत ले लेना। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। तो चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरी बात ठीक लगती है तो उसको लाइक कर सकते हैं, बट इस वीडियो में मैं बोलूंगा आप उसको डिसलाइक कर भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स खुला है, तो अगर आपको बुरा लगता है तो आप अपने विचार वहां व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कई बार अपने वीडियो बता चुका हूं कि मैं खुद एक बैंक में मैं काम कर चुका हूं, और लास्ट 11-12 साल से मैं लोन फील्ड में हूं, और अभी एक NBFC से मैं जुड़ा हुआ हूं। हालांकि मैं यहाँ पे एक ठीक ठाक पोस्ट पे हूँ, मैं वैसे रिकवरी पे नहीं जाता हूँ, जब पर कुछ केसेस बिगड़ जाते हैं तो वहाँ पे रिकवरी में मैं जाता हूँ। तो अभी 2 दिन पहले मैं एक रिकवरी पे गया था, उसका पूरा मामला समझा दूँ। वो बंदे ने हमसे 8 लाख रुपए का मॉर्गेज लोन लिया, और मॉर्गेज लोन लेने के बाद उसने 1 EMI पे करने के बाद वो 3 EMI बाउंस कर गया, NPA हो गया। हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार्टिंग में मैनेजर्स 2-3 बार गए, उसके शायद कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी प्रॉब्लम समझें, उसका हम समाधान करें, पर वो हमेशा उल्टी सीधी बात करें और कभी भी लोन देने के लिए वो हाँ या ना करें नहीं। सेकेंड टाइम जब मैं अभी परसों उसके घर गया तो मेरा उसकी जो माता जी है उससे सामना हुआ, और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि उस कस्टमर ने अपनी माँ को इतना ट्रेन कर रखा है कि भैया कोई भी बैंक से आए तो आपको मिसबिहेव करना है, बात नहीं करना, ये सब है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब इस तरह से कस्टमर्स होते हैं तो रिकवरी एजेंट्स को और बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं भैया, उनको हार्श होना पड़ता है। मैं हर एक केस की बात नहीं कर रहा हूँ कि हर एक केस में ऐसा होता है, पर एक्सेप्शनली कुछ ऐसे मिल जाते हैं, 10 एक्सेप्शनली भी नहीं बोल सकते हैं, 10 में 3 या 4 ऐसे मिल जाते हैं जो इंटेंशनल बाउंसर होते हैं, विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, और उसका खामियाजा एम्प्लॉयज को भुगतना पड़ता है, उनकी सैलरी होल्ड होती है, उनकी जॉब पे आ जाता है, और काफ़ी कुछ होता है, एक्शन लिए जाते हैं। तो आप देखिएगा इस वीडियो में किस हिसाब से वो महिला बात कर रही है और बैंक के एम्प्लॉयज को झूठा इल्जाम लगा रही है कि आप उनके घर पे आ गए फला फला। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, रिकवरी एजेंट आजकल जैसे RBI गाइडलाइन है इतने हार्श नहीं होते हैं, पर जो कस्टमर सच में हरकतें ऐसी करते हैं, पैसा होने के बाद ही मायने देते हैं, उनके साथ नरमी नहीं बरतते हैं बैंक वाले और हम लोग, क्योंकि इनको हार्श तरीके से ही समझाते हैं। तो चलिए देखिए वो किस तरह से बात कर रही है। लोन दिए सर, 60,000 रुपए ले लिए सर, वो किनारे बैठे हैं। कौन कौन? लोन कितना दिया है? हमें नहीं मालूम। लोन कितना दिया? 8 लाख दिया है। हमें नहीं मालूम। लोन लिया है तुम क्यों घुसा घर में? मैंने घुसे नहीं, आपने अंदर दरवाजा खोला है। हाँ। दरवाजा आपने खोला है ना? खोला तो तुम भी तब तक क्यों चले हैं? आपने तो बोला अंदर आओ। नहीं, ये हमने वो कहा अंदर आओ? आप पे आगे आगे गए आप। 60,000 किसने दिया है? 60,000 घर है ये। नहीं, आपसे 60,000 किसने लिया है? एक पुलिस वाला आया था, हमारे घर 2 पुलिस वाले आए थे। अभी और आएंगे मैडम, अभी और भी आएंगे मैडम, और भी आएंगे, अभी और भी आएंगे। इस घर के पुलिस आए थे बुलाए ना। अभी आप क्या भी आएंगे? तो पुलिस का धमकी तो अच्छा, कोई बात नहीं। वो किसने लिया पूछ रहे तो? यहाँ कुछ नहीं। अरे EMI की बात कर रही है यार। अब जो लीज है, लीज है हमारा जो है, हमारा जितना है उतना दे दीजिए, पैसा तुम्हारा सब पूरा कर देंगे। आपको दे तो दिया पूरा 8 लाख मैडम, और कितना चाहिए? 8 लाख। 8 लाख दिया नहीं आपको? यार आपके खाते में 8 लाख नहीं गया, दिखाइए खाता निकालिए। जितना है उतना दे दीजिए, अपना पैसा ले लीजिए। 8 लाख दे दिया है? ले लीजिए। आपके खाते में 8 लाख गया है हमारी कंपनी से? ये कंपनी से आए हैं, हम लोग कोई ऐसे नहीं आए, सब आई कार्ड पहने देखिए आए हैं। हमारा 8 लाख दिया तो दे दीजिए। एक काम करो ना, तुम उसको वीवी बुला के राजवीर बुलाओ, राजवीर को बुला लो, बात कर लो उनसे। राजवीर कौन है? आपके हस्बैंड है क्या है? हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। लड़का कौन? कोई नहीं है। बेटा है आपका? कोई नहीं है। हमारे घर में तुमने क्यों घुसा? हमारे घर में क्यों घुसा? हमारे घर में कोई नहीं, हम आ रहे थे। आप ही ने बोला तुम क्यों घुसाते अंदर? तो आप पहले मना करते ना? कब घुसाते? पहले आप मना करते अंदर नहीं आते हम? आप पहले मना करते और मत आइए अंदर, हम पहली बार आए हैं। अच्छा, राजवीर से बात करा दीजिए। राजवीर नहीं है यहाँ,
सब लेन देन हो गया है? कोई लेन देन नहीं हुआ मैडम। कोई लेन देन हो गया? किसको? वो लड़का जानता है, वो लड़का जानता है, हमको बुलाइए उसको। लड़का जानता है? पिछली बार आए थे, बैठा था। और लड़का जानता है? ये लड़का मिला है हमसे। हाँ आ रहा है ना? बस ठीक है, चलिए मैडम, ओके।